अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे एक लूप दिया गया है, एक्चुअली में क्या है, एक एरिया है ना, एक सरफेस है। ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं थीक लाइंस, इसके बीच में ये जो सरफेस एरिया है ना, एक्चुअली में क्या है, एक कोई लूप है, एक कंडक्टिंग लूप हो सकता है ये। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1000 गॉस इज पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द एरिया डिफाइंड बाई द क्लोज लूप एज शोन इन द फिगर। ये जो क्लोज लूप है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेज लीनियरली टू 500 गॉस इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो होता है एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर एरिया लूप का फिक्स्ड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक। अगर बड़े से टाइम इंटरवल में देखें तो इसको लिखा जा सकता है एरिया इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बाई टाइम इंटरवल, ऐसे लिखा जा सकता है। तो पहला काम तो होगा हमारा कि इसका एरिया निकालेंगे। ये एरिया निकालना है, ये जो क्लोज लूप है इसके बीच वाला एरिया। तो क्या करते हैं, ये बड़ा सा एक रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल में से ये दो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे तो ये बीच वाला एरिया जो है लूप का निकल जाएगा, ठीक। तो देखेंगे पूरा जो रेक्टेंगल है वो आएगा 16 लेंथ है और 4 विड्थ है, तो 16 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पूरे रेक्टेंगल का एरिया। उसके बाद ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ बेस इसका 4 इंटू हाइट 2, है ना। तो इसका एरिया आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 4 ही आएगा, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे दोनों ट्रायंगल का एरिया 8, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको मैं लिख सकता हूँ 10^-4, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल लिख सकते हैं या इनिशियल माइनस फाइनल लिख सकते हैं, हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये इसका जो यूनिट दिया है मैग्नेटिक फील्ड का वो गॉस में दिया है। एक्चुअली में क्या होता है कि 1 गॉस जो होता है वो 10^-4 टेस्ला के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर 1000 गॉस दिया गया है तो शुरू में मैग्नेटिक फील्ड था 1000 × 10^-4, ठीक, और फाइनली ये रिड्यूस होकर के 500 गॉस हो गया है। तो फाइनली हो गया है 500 × 10^-4 टेस्ला, तो ये हो जाएगा 500 × 10^-4 टेस्ला जो कि 5 × 10^-2 टेस्ला आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आएगा 64-8, ये हो जाएगा 56 × 10^-4 × 5 × 10^-2, है ना। ये तो हो गया एक्चुअली में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें तो निकालना है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बाई टाइम इंटरवल भी करना है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 5 × 10^-2 डिवाइडेड बाई टाइम, 5 सेकेंड दिया गया है पहले से, 5 सेकेंड दिया गया है। तो ये हो गया एरिया, ये हो गया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, है ना। ये तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 56 × 10^-6, ये SI यूनिट में आएगा वोल्ट में, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है 56 μV, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आएगा, है ना। तो देखेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं 36 μV, 48 μV, 56 μV और 28 μV, तो तीसरा वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन है।